मुरादाबाद में विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए मुरादाबाद जा रहे पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सोहन लाल श्रीमाली हरदोई के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में रुककर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान के लिए भाजपा ने तमाम प्रकार की योजनाएं लागू की, अन्य पार्टियों तो केवल नारा ही देती थी। जब से देश में मोदी और प्रदेश में योगी का नेतृत्व हुआ है, पिछड़ा वर्ग समाज को सभी योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सभी 9 सीटें भाजपा के खाते में आएंगी। उपाध्यक्ष श्रीमाली ने कहा कि लोकसभा में सपा हुआ कांग्रेस ने जो जनता को गुमराह करने का काम किया था, अब जनता सब जान चुकी है, अब वह गुमराह नहीं होगी। समाजवादी पार्टी में गुंडों और माफियाओं की भरमार है, उन्हें अब जनता मौका नहीं देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग में जो भी शिकायतें लंबित हैं उनके जल्द ही निपटारा किया जाएगा। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से ऋषि कुमार सैनी, अतुल शर्मा, आलोक शर्मा, अजीत विशाल, नंदवंशी, सविता समाज के जिला अध्यक्ष शिव पूजन शर्मा, शिवनाथ पुष्पेंद्र, सूर्यांश सैनी, कुलदीप शर्मा, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। सरकार क्या कर रही है? पिछड़ा वर्ग समाज के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार सब कुछ कर रही है। इसके पूर्व की जो सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार, वो सब केवल नारा ही नारा देते थे। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं, तब से पिछड़े समाज के कल्याण के लिए जैसे प्रधानमंत्री आवास, घर में इज्जत घर शौचालय के रूप में गैस कनेक्शन देना, बिजली जिन घर में बिजली नहीं है उसमें बिजली देना, आयुष्मान कार्ड देना, पूरे देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाना, ये सब पिछड़े समाज के ही लोगों के ध्यान में रखते हुए और देश भर में यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। 9 विधानसभाओं में उपचुनाव है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? 9 विधानसभाओं में जो उपचुनाव है, सरकार पर इससे बहुत असर नहीं पड़ने वाला है, और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने विकास, अपने कार्य के आधार पर जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है तब से पिछड़े समाज के लोगों के लिए जो भलाई का काम किया, अभी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भ्रम फैला करके विपक्ष की पार्टियों ने खटाखट पैसा देने का, आरक्षण खत्म करने का, संविधान खत्म हो जाएगा ऐसा भ्रम का जाल फैलाया, उससे सारे समाज के लोग पहचान चुके हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए लोग तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी कहते हैं 9 की 9 ही जीतेंगे। समाजवादी पार्टी में चूंकि वहां गुंडों और माफिया अपराध करने वाले ऐसे लोगों का भरमार है, उनकी सरकार या उनके लोग जीतेंगे तो केवल गुंडागर्दी करेंगे और इसलिए वो गुंडों के बल पर जो कहना चाहते हैं वो कहेंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सभी 9 विधानसभा सीटों में अच्छे मतों से जीतेगी। आयोग में जो मामले लंबित हैं उसमें हम एक और उपाध्यक्ष जी और माननीय अध्यक्ष जी सब लोग मिलकर के जल्द से जल्द निपटारा करने वाले हैं। ऐसे लगभग 2700 केस पेंडिंग में थे, हम सब लोगों की जिम्मे फाइल आ गई है, उसका हम सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं और हमारे जिम्मे जो फाइल है उसको हमने अभी 13 तारीख से शुरुआत कर दिया है। 13 तारीख को कुछ फाइल सुनवाई के लिए लगाया है और जल्दी से जल्दी हम अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में अधिकतम फाइल निपटाने का प्रयास करेंगे।